ओके कैमरा एंगल ठीक है ठीक है ठीक है। सो हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तो जैसा तुमने थंबनेल पर देख चुके हो गाइस, ये रहा गाइस पेपर सेट और इसका प्राइस मैं तुमको वीडियो के बीच में बता दूंगा। पहले इसको जल्दी से अनपैकेज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इस टाइप का एक बेबलेट सेट मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले बाई किया था, लेकिन वो ये मेटल बेबलेट सेट नहीं था, वो एक बोस बेबलेट सेट था, शायद तुम सबको पता है। दो साल पहले बाई किया था एक्चुअली मैंने, और हाँ आफ्टर टू ईयर्स फिर से गाइस एक बेबलेट सेट बाई किया है। और गाइस सही में बताऊँ तो ये मेरा फर्स्ट एवर मेटल बेबलेट सेट है। अब तक मैंने बहुत सारे मेटल बेबलेट सेट बाई अब है, तो ये मेरा पहला मेटल बेबलेट सेट है, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से अपने तलवार से अनपैकेज कर लेते हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या माल है। ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन अनपैकेज करने के बाद और भी अच्छी तरह से दिख जाएगा क्योंकि। तो हियर यू गो गाइस, टक्कर दे टक्कर। ओहो भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारा माल यहाँ पर दिख रहा है गाइस, क्या बात है गाइस। और ये बक्सा है पीछे में, तो भाई बहुत सारे बेबलेट कैरेक्टर्स को दिखाई दे, जिंगा है, ये पता नहीं कौन है ये। एक्चुअली गाइस मेरे को मेटल बेबलेट्स के बारे में उतना पता नहीं है, ठीक है, इसलिए माफ कर देना। और गाइस अगर बैकग्राउंड पे कोई नॉइज आ रहा है तो मेरे को माफ कर देना गाइस, क्योंकि ये डे टाइम है और मैं यूजुअली वीडियोस रात में बनाता हूँ, और लोड शेडिंग भी गाइस चल रहा है, तो इसलिए मेरे पास लाइट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए। तो गाइस पहले ये लॉन्चर्स बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास है दो लॉन्चर्स, एक है ब्लू वाला और दूसरा है हरा कलर का, ग्रीन कलर का। सही में बताओ गाइस तो लॉन्चर का क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है, बहुत ही सस्ता क्वालिटी है गाइस लॉन्चर का। प्राइस के मुताबिक आई थिंक ये ठीक ठाक है, यही सकते हो गाइस, बहुत ही सस्ता क्वालिटी है गाइस। अगर मैं इसके एक मारूँ ना तो टूट जाएगा भाई, ये लॉन्चर काफ़ी सस्ता क्वालिटी। साथ में गाइस दो स्ट्रिंग भी है यहाँ पर, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन आई होप ये भी टूट जाएगा, पता नहीं, पहले तो देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ भाई डिसेंट सा है, बहुत ही स्मूथ है, लेकिन डिसेंट सा गाइस। आई होप इससे बेलेट उतना भी ज़्यादा घूम पाएगा या नहीं, आई डोंट नो। आई होप गाइस इससे बेलेट घूम पाएगा, लेकिन बहुत ही हल्का है गाइस, उतना भी तगड़ा स्टिक फील नहीं दे रहा है। ओके इसको भी यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। उसके बाद गाइस ये कौन सा लॉन्चर है भाई, देखते हैं। अरे यार फोकस कर, अरे बाहर निकल। ओके ये क्या है? हाँ अरे लॉन्चर किधर है? ओ आई थिंक ये ग्रिप है। और ये क्या बाहर आ गया भाई, सस्ता चीज़ का ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ बाहर आ ही जाता है गाइस। हाँ ओ तो ये एक लॉन्चर ग्रिप है। हाँ गाइस मैंने इस टाइप का बेबलेट लॉन्चर ग्रिप बहुत सारे वीडियोस में देखा है, मुझे तो पहले लगा था ये एक लॉन्चर है, स्कैम कर दिया भाई। नहीं स्कैम तो नहीं है, लेकिन हाँ गाइस पूरा देखो लॉन्चर की तरह लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसका जो रिप है वो किधर है, मतलब स्ट्रिंग पर कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आई थिंक ये लॉन्चर इसके अंदर ऐसे लगाने के लिए, हाँ आई थिंक ऐसे ऐसे। और ये चीज़ क्या करता है? ओ ओके ओके ऐसे करते है। ये है लॉन्चर और ये है लॉन्चर ग्रिप, नॉट बैड गाइस, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी खासी है। ऐसे हम स्ट्रिंग घुसाएंगे और लेट इट रिप। ओके नॉट बैड गाइस। और इस ग्रिप का भी क्वालिटी वैसे ही सस्ता थोड़ा सा, उतना भी खास कुछ नहीं है। ओके ये भाई इसके अंदर घुस क्यों नहीं रहा है? ओके आ बात है गाइस असली चीज़ के ऊपर। और अंदर ये क्या है भाई, ये कौन सा प्लेट है? नाइस। हाँ गाइस ये स्टेडियम है ना गाइस, ये तो सही में एक स्टेडियम है। ओहो गाइस इस स्टेडियम को मैंने पहले भी भाई बाई किया था, मैंने जब मेरा पहला बेलर सेट बाई किया था तो उसमें ये भी इस टाइप का एक स्टेडियम आया था ब्लू कलर का, दो साल पहले जो बेलर सेट मैंने बाई किया था। हाँ भाई ये पता नहीं यार क्या देखे ये स्टेडियम भाई भेज दिया है, पता नहीं ये कोई स्टेडियम है, कैसे बोल सकते हो गाइस इसको, मैं इसको कैसे बोलूँगा कैसे ये स्टेडियम है, ये तो कैसे खाने का प्लेट बस कुछ बर्तन बोल सकते हो, जो भी हो गया साइड में रख देते हैं। ये सबसे यूजलेस पार्ट है इस बेलर सेट का, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अगर बेलर सेट बाई कर रहे हो सिर्फ स्टेडियम पाने के लिए तो ये तुम्हें मिलेगा, लेकिन रख देता हूँ। अब गाइस चलो असली माल के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस मेरे को चार बेलर्स दिख रहा है और बाकी तीन बेलर्स तो पूरा एक लग रहा है, एक ही टाइप का है, ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का और ये येलो कलर का। तीन बेबीज़ गाइस एकदम सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, बस ये बेलेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आई थिंक ऐसे फ्लेम लिब्रा है शायद, आई डोंट नो। हाँ ये फ्लेम लिब्रा है ब्लू कलर वर्जन, नॉर्मली ये फ्लेम लिब्रा ग्रीन कलर का होता है। ओके और हाँ देखो गाइस पीछे से तो असली स्कैम तुमको पता चल जाएगा, अगर सामने से देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बेलेट पीछे से ऐसे खोखला है। अरे यार देखो गाइस कितना थिन है भाई ये मेटल, बहुत ही हल्का है गाइस बेलेट, अगर मैं कुछ चार पाँच बेलेट कर दूंगा तो ये बेलेट टूट जाएगा, आई कैन ऑलमोस्ट श्योर यू। ओके और गाइस बेलेट का क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है। ओके मतलब प्राइस के मुताबिक सही है, ठीक है। और ये लो बाकी तीन बेलेट्स बाहर निकल लेते हैं। भाई तीनों बेलेट्स ही पूरा एकदम सेम टू सेम है गाइस, और वही सेम सीन यहाँ पर दिख रहा है गाइस मेरे को, खोखला, ये भी खोखला, तीनों बेसिक गाइस खोखला है देख सकते हो। और तीनों में गाइस ट्विस्टेड टेम्पो का फ्यूजन भी लगाया गया है, पता नहीं तीनों बेस का शेप एकदम सेम टू सेम क्यों है भाई, थोड़ा सा दूसरा टाइप का बेलेट भी दे देते फिर भी अच्छी बात है कि मेरे को चार बेलेट्स मिल गया है। उसके बाद गाइस कुछ बेलेट टूल्स भी यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, बहुत ही सस्ता क्वालिटी है गाइस, इसका कोई काम भी मेरा नहीं है बस थोड़ा सा। और अब गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बेलेट सेट का, जो कि गाइस ये मेटल टाइप का फेस बोल्ट्स, हाँ गाइस ये मेटल का ही है, लेकिन ये एक्चुअली एलुमिनियम है,
लेकिन हाँ ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम का है और बहुत ही हेवी है गाइस, फील कर सकता हूँ मैं। तो अगर हो सके तो मैं थोड़ा सा ये लगा के थोड़ा सा वेट शायद इंक्रीज कर पाऊँगा। एनीवे ये वाला एक और यहाँ पर पूरा चार टेबलेट का टेप है पीछे का हिस्सा। अरे यार बाहर निकल। तो यहाँ पर गाइस दो टाइप का है, नो ये एकदम सिंपल है। ओ हाँ ये वाला, हाँ तो गाइस यहाँ पर एक्चुअली दो टाइप का दो दिया गया है, देख ही सकते हो गाइस। एक है स्टैमिना टाइप का आई थिंक, हाँ गाइस ये स्टैमिना टाइप का है, और ये दूसरा वाला शायद बैलेंस टाइप का या अटैक टाइप का, मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ अच्छी बात है गाइस कि मिल गया ये, क्योंकि नॉर्मली गाइस इस टाइप का बिलेट करते बहुत ही जल्दी टूट जाता है। ओके हाँ गाइस ये लो देख सकते हो गाइस, हाँ एलुमिनियम का गाइस लेकिन हेवी है, अच्छी बात है। तो हाँ गाइस यही चीज़ तुमको मिलेगा इस बिबेट सेट के अंदर, और ये सस्ता कुछ बर्तन जो कि स्टेडियम के नाम का भी लायक नहीं है। तो प्राइस के मुताबिक गाइस आई थिंक एकदम ऑलमोस्ट वर्थी है, लेकिन अगर वो स्टेडियम की बात करें तो आई थिंक वर्थी नहीं है। वो स्टेडियम लगभग 5 रुपये का होगा। जो भी हो गाइस अगर बिबेट सेट बाय करो तो बस इस सारे चीज़ के लिए बाय करो, और इसका प्राइस है सुनिए 900 रुपये है, 900 रुपये में तुमको आराम से मिल जाएगा, 900 से 1000 रुपये ठीक है। तो प्राइस के मुताबिक गाइस आई थिंक ये ऑलमोस्ट वर्थ इट है, लेकिन गाइस मेरे को ये लॉन्चर का क्वालिटी थोड़ा सा खराब लगा, लेकिन ये लॉन्च करने के बाद ही पता चल जाएगा। तो चलो गाइस जल्दी से इन सारे बिबेट्स का कुछ टेस्ट बैटल कर लेते हैं, और मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये टूट जाए, क्योंकि मेरे को ये बिबेट सेट अभी मिला है। ओके गाइस चलो करते हैं गाइस रिस्क लेके, तुम सबके लिए तो करना ही पड़ेगा ना, तो करना। तो गाइस बैटल करने से पहले मैं ये मेटल बेबलेट्स का थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखते हैं गाइस एक्चुअली ये थिन मेटल फ्यूजन वाला बेबलेट्स का वेट कितना है। हियर वी गो। ओके 18 ग्राम, भाई काफ़ी कम है, 20 ग्राम से भी कम। नॉर्मली गाइस इस टाइप का बेबलेट्स का वेट नॉर्मली 40 ग्राम से या 33 ग्राम होता है, 30 के ऊपर होता है, लेकिन भाई यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 17-18 ग्राम, भाई 20 ग्राम भी नहीं हुए। ये वाला ये भी 18 ग्राम का, क्या बात है, नॉट बैड। ओके ये वाला 19 ग्राम हो गया, थोड़ा सा हेवी है, और ये वाला ये भी 18 ग्राम का, तो ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि इसका जो ये पीछे का टेप है थोड़ा सा बहुत ही कस्टमाइज्ड है। तो ये चारों बेस का वेट कर लेते हैं एक साथ। ओके 73 to 74, ओके 73 ग्राम्स ऑलमोस्ट, मतलब एक डीबी बिलेट का वेट के समान है। 3-1 चक्कर दे टक्कर। हाँ भाई लॉन्चर का जो पावर है वो डिसेंट है, प्राइस के मुताबिक गाइस बहुत ही डिसेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा पावर नहीं है, देख ही सकते हो गाइस। ठीक है अब फ्लेम लिब्रा को इस लॉन्चर से लॉन्च करके देखते हैं। इस बेबर सेट के अंदर गाइस मेरे को बस यही बेबर सबसे अच्छा लगा, बाकी सब थोड़ा सा बेकार लगा मेरे को, क्योंकि तीनों बेबी गाइस एकदम सेम टू सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। चलो लॉन्च करते हैं, 3-1 चक्कर दे टक्कर। हाँ ये भी डिसेंट सा लगा, लेकिन लॉन्च करने में मज़ा भी आया मेरे को, क्योंकि ग्रिप के साथ मेरे को लॉन्च करने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। हाँ गाइस बेबलेट का स्टैमिना काफ़ी अच्छा डिसेंट है, और हालांकि मेरा स्टेडियम थोड़ा सा रफ है इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। ओके चलो गाइस कुछ बैटल्स करते हैं, अल्लाह से यही दुआ है कि बेबलेट टूट ना जाए। ओके गाइस आई होप बेबलेट सही सलामत रहेंगे, अगर टूट गया भाई तो ये सेलर को मैं साले को बम से उड़ा दूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं। 3-1 चक्कर दे टक्कर। और ये लोग अरे सॉरी, चलो गाइस अभी भी टक्कर नहीं हुआ है। ओके ये लोग शुरू हो गया भाई टक्कर। ओ भाई ये क्या हो रहा है, वाओ अरे जादूगर है। अरे ये स्टैमिना टाइप से अटैक टाइप कैसे हो गया, वो भाई ये गजब था। ऐसा लग रहा है गाइस कि फ्लेम लिब्रा के अंदर शायद वो या रिवाइव ड्राइवर और वो जेनेसिस ड्राइवर है, मतलब वो रिबूट ड्राइवर एक्चुअली, ऐसा फील हुआ मेरे को। और ये लो गाइस टक्कर शुरू हो गया, और यहाँ पर जीत गया ये रेड कलर का बेबलेट। करते हैं 3-1 चक्कर दे टक्कर, 3-1 चक्कर दे टक्कर, 3-1 चक्कर, अरे ये तो ये नहीं पूछा है, 3-1 चक्कर दे टक्कर। ये वाला भी लॉन्च कर देते हैं टक्कर दे टक्कर, और ये लो गाइस, और यहाँ पर ओके गाइस मैं और ज़्यादा बैटल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इसके अंदर एमसी लगा दूंगा उसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि गाइस अगर टूट गया तो एमसी लगा के भी कुछ नहीं होगा गाइस, मैं चाहता हूँ कि बेलेट सही सलामत रहे। तो ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जैसा मैंने बोला ठोको लाइक और मारो सब्सक्राइब। गुड बाय खत्म।